स्वागत साढ़े सारे दर्शकों का, मैं थोड़े नाल गगन दे बिग फाइट दे विच साड़ी खास पेशकश दे विच और हर एक एपीसोड दे विच एक नवी सीट का विश्लेषण ते समीकरण लेके असीं थोड़े रूबरू हुंदे आ। मेरे नाल मेरे सहयोगी आशीष होणगे ते अज आशीष आपां गल करांगे गुरदासपुर सीट दी। बिल्कुल, बिग फाइट गुरदासपुर किस दा होवेगा, गुरदासपुर अते किस दे सपने होणगे चकनाचूर, क्योंकि गुरदासपुर दे हॉट सीट है माझे दी। हालांकि हाई प्रोफाइल सीट है ते नाल सेलिब्रिटी सीट भी है, क्योंकि इत्थों जो एमपी रहे ने ओ सेलिब्रिटी रहे ने, यानी कि बॉलीवुड च कई नामचीन चेहरे ने, भावे विनोद खन्ना की गल की जाए, भावे मौजूदा एमपी सनी देओल की गल की जाए। गगन बिल्कुल, और इस बार जो है सारी पार्टियों के वो अपने पत्ते इतों खोल दिए गए हैं। किस पार्टी के वालों किस उम्मीदवार को मैदान के उतारिया गया है, वो उम्मीदवार असं थोड़े सामने पहला ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि किसने मैदान के उतारिया। आम आदमी पार्टी तो शहरी कलसी को उतारिया गया और दिनेश बाबू को उतारिया गया बीजेपी के वालों। आशीष, कांग्रेस वालों सुखजिंदर सिंह रंधावा दा खेडिया गया है। बिल्कुल, हालांकि गुरदासपुर के जे कैंडीडेट्स पर नजर मारी जाए, शहरी कलसी दिग्गज चेहरा ने, पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के सबका डिप्टी सीएम, सबका कैबिनेट मंत्री, मौजूदा समय विधायक भी ने डेरा बाबा नानक तो, हुण एमपी वाली सीट पर अपना दा खेड रहे हैं। गुरदासपुर तो कांग्रेस ने दिग्गज उम्मीदवार नु चोन मैदान च उतारिया। बिल्कुल, चौकड़ी मुकाबला है गुरदासपुर की सीट तो माझा की सीट है और विनोद खन्ना इतों अपना दावी खेलते रहे ने और जित के संसद के भी पहुँचते रहे ने। हालांकि टिकट वंड नूं लैके काफ़ी मत्थापच्ची भी हुई सी, क्योंकि विनोद खन्ना पहला मैदान के उतारे गए, उस तो बाद किसी मैदान के उतारना है। विनोद खन्ना की पत्नी भी दावेदार से इस मैदान के, लेकिन बीजेपी के वालों दिनेश बब्बू से जो है दा इस बार खेडिया गया। फिलहाल अगे असीं नज़र पावांगे के 2019 दे गुरदासपुर सीट तो किस किस पार्टी दे वालों मैदान दे उतारिया गया सी और किसने जित हासिल की थी। बिल्कुल, 19 दे सनी देओल उतारिया गया सी बीजेपी दे वालों, कांग्रेस दे वालों उतारिया गया सी सुनील जाखड़। बिल्कुल, एक टफ फाइट सी गगन, तुहानू याद होना लोक सभा इलेक्शन जो 2019 दे इलेक्शन हो रही थी, सनी देओल जे मैं कर जिक्र करा दिग्गज चेहरा बीजेपी दे, क्योंकि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी नहीं अते अदाकार ने, अते इन्हां नूं वोटां पईआं 558,000 दे करीब। सुनील जाखड़ उस वेले मौजूदा एमपी सी, क्योंकि गुरदासपुर सीट ते जिमनी चोन होई सी 2017 च, अते उस वेले उन्हां नूं वोटां पईआं 476,000 दे करीब, अते फर्क सी 82,000 दा। पर ए सीट हमेशा सेलिब्रिटी सीट है, पर उस वेले जो तो इलेक्शन होंदी सी अकाली दल ते बीजेपी गठजोड़ च इलेक्शन लड़दा सी, अते हमेशा ही बीजेपी दे पाले गेंद ज्यादा आंदी सी, क्योंकि ए सीट हाई प्रोफाइल सीट है, अते विनोद खन्ना दा इत्थे काफी नाम रहा अते दबदबा भी रहा। बिल्कुल, सेलिब्रिटी सीट रही है और अगर खास नजर पाई जाए, क्योंकि 2.5 किलो दा हाथ लेके जरूर सनी देओल चोन प्रचार करते हुए नजर आए थे 2019 दे विच, वी भारी बहुमत दे नाल उन्होंने जित भी हासिल की सी। और सुनील जाखड़ जो कि हुण बीजेपी दे विच जा चुके ने, कांग्रेस दे विच हुण नहीं ने और बीजेपी दे विच पंजाब बीजेपी दे प्रधान ने, और सुनील जाखड़ 2019 दे विच उतारे गए सन, लेकिन इस बार जो है बीजेपी दे कोल अगर कोई पत्ता सी खेडण दे लई तां दिनेश बब्बू ज्यादा उन्हां नूं दावेदार। हालांकि गगन देखा जाए बीजेपी ने इस बार स्ट्रैटेजी चेंज की है, क्योंकि ए ओ सीट है, एक तो माझे दी सब तो हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, सेलिब्रिटी सीट है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी हर बार इतों जो कैंडीडेट खड़ा कर दी है वह सेलिब्रिटी होंगे। पर इस बार जो दा खेडा गया लोकल लीडर से, यानी लोकल वाली स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, पर ना ही सुनील जाखड़ जो कि नामचीन चेहरा ने, उस वेले पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके हैं, मौजूदा समय पंजाब बीजेपी के प्रधान ने, इन्हों भी टिकट नहीं दी गई, बल्कि सुजानपुर वाले जो MLA रहे दिनेश बब्बू टिकट दी गई, यानी कि बीजेपी ने इस बार लोकल लीडर वाला दा खेडिया। बिल्कुल, 2019 तो होर पिछे चलांगे, होर इस तो पहलिया पिछलिया चोणों के होए से लोग सभा चोणा 2014 की अगर असी गल की जाए तो 2014 के देखो मैदान दे विच जो उतारिया गया 2017-17 की गल करांगे, 2017 की गल करांगे, 2014 के जावांगे, लेकिन 2017 जिमनी चोणा हुई सी। दरअसल जिमनी चोण नतीजे की कहते हैं सुनील जाखड़ उतारिया गया सी उस वेले, और दूजे पासे बीजेपी दे वल्लों स्वर्ण सलारिया सन और सुनील जाखड़ ने उस वेले जित हासिल की सी। हालांकि 2017 की जो बाई इलेक्शन सी, मरूम सांसद विनोद खन्ना की रुखसती तो बाद बाई इलेक्शन हुई, सुनील जाखड़ ने कांग्रेस की टिकट से उदो इलेक्शन लड़ी है, जित भी हासिल की, उन्हों का काडर मजबूत होया, भावे बटाला ली गल करिए जां कादियां, इतने इन्हों सब तो ज्यादा वोटा पईआं, पर स्वर्ण सलारिया
ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 3,06,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਕ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1,93,000 ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ अगले ग्राफिक से साढ़े कोल की आंदे ने अगले ग्राफिक से भी नजर पाइए 2014 के नतीजे की कहते हैं देखो जरा विनोद खन्ना मैदान के उतारिया गया उस वेले बीजेपी के वालों और कांग्रेस के वालों प्रताप सिंह बाजवा मैदान के उतारिया गया लेकिन प्रताप सिंह बाजवा हार का सामना करना पिया हालांकि काफ़ी फर्क है 1,36,000 के करीब जो फर्क है बिल्कुल हालांकि ये दो चेहरे ने गगन ये दो चेहरे नामचीन चेहरे ने सेलिब्रिटी चेहरे कहूंगा मैं क्योंकि एक चेहरा बॉलीवुड च सेलिब्रिटी चेहरा है एक पंजाब की सियासत का सेलिब्रिटी चेहरा प्रताप सिंह बाजवा जो कि मौजूदा समय LOP ने राज्यसभा मैंबर भी रह चुके हैं विधायक भी कई बार रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा ने इलेक्शन लड़ी विनोद खन्ना के खिलाफ पर टक्कर देने की कोशिश की पर ज्यादा दमखम नहीं दिखा सके क्योंकि फर्क है साफ गवाही दे रहा है 1,36,000 वोटा का क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा ने उस वेले वोटा पाई 3,46,000 विनोद खन्ना जो कि नामचीन चेहरा ने अते कई बार गुरदासपुर तो MP चुने गए ने अते उन्हां नूं करीब करीब 4,82,000 के करीब वोटां पईआं बिल्कुल इस विच दिलचस्प चीज यह भी है कि जदों रवनीत सिंह मिट्टू कांग्रेस पार्टी छड्ड के BJP दे विच गए सी तां प्रताप सिंह बाजवा बहुत ज्यादा मुखर होकर उन्होंने रवनीत सिंह मिट्टू नूं निशाने ते लिया कई तिक्खे शब्द वार के रवनीत सिंह मिट्टू ने भी कहा कि अगर तुहाडे अंदर दम है तो लुधियाना सीट तो तुसीं चोण मेरे खिलाफ लड़ के दिखाओ बिल्कुल लेकिन इस बार कांग्रेस ने लुधियाना सीट की प्रताप सिंह बाजवा नूं किसी भी सीट तो टिकट नहीं दिती है तो प्रताप सिंह बाजवा लेकिन अहम भूमिका जरूर निभा रहे हैं आगू विरोधी ते दी भूमिका इस वेले वो पंजाब कांग्रेस विच निभा रहे हैं नैक्सट ग्राफिक तो साढ़े कोल की ने नैक्सट ग्राफिक्स भी समझने की कोशिश करांगे असीं गल करांगे वोट परसेंटेज की 2019 के वोट परसेंटेज की कहते हैं BJP तगड़ी है इतने BJP तगड़ी है 2019 की असीं गल कर रहे हैं कांग्रेस थोड़ी जी पिछड़ी हुई है 43.14% आम आदमी पार्टी 2.51% ते अपनी शमूलियत दर्ज करा रही है और RMPI 1.38 बिल्कुल जगह गगन गुरदासपुर का मैं जिक्र करा गुरदासपुर ए अजिही सीट है दिलचस्प मुकाबला इतने क्योंकि लोकसभा च इतने BJP का आधार है जेकर विधानसभा की गल की जाए विधानसभा के कई हल्कों च इतने कांग्रेस का आधार है यानी वोटर डिवाइड हो रहा है पर जेकर लोकसभा का जिक्र करिए BJP की इतने तूती बोलती रही है MP वाला एक दा सैलीब्रिटी वाला दा भावे विनोद खन्ना का जिक्र करिए मौजूदा समय सनी देओल फर्स्ट टाइम कैंडीडेट नाल दी नाल जेतू भी रहे 50% वोट परसेंट उन्हां दा रहा काफी मायने रखता गगन अगर गुरदासपुर के पिछोकड़ से अगर आप गल की जाए तो की लगता है शीश ज्यादातर क्योंकि एक टाइम यह सी कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस के दरमियान ही जंग होंदी रही है श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ दे विच रहा BJP दे नाल कुछ सीटा इस तरह दियां होंदियां सी जिते BJP दे वल्लों उम्मीदवार मैदान दे विच उतारिया जांदा सी लेकिन गुरदासपुर की सीट ते जो स्ट्रोंग रही है गुरदासपुर का एक अपना ही इतिहास है क्योंकि गुरदासपुर का जेकर मैं जिक्र करा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से कांग्रेस हमेशा तो ही स्ट्रोंग सीट से स्ट्रोंग उम्मीदवार उतार दिया इसलिए दा खेडा गया साबका डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा से जेकर कांग्रेस चाहती तो बाजवा भी टिकट दी जा सकती थी क्योंकि वह उन्हों का हल्का भी है पर डेरा बाबा नानक वाला वोटर अते जो एक नामी चेहरा माझे का जरनैल कहा जाता है सुखजिंदर सिंह रंधावा अते उसनू ध्यान च रखते कांग्रेस ने इस बार सुखजिंदर सिंह रंधावा उम्मीदवार बनाया बिल्कुल अगले ग्राफिक से साढ़े को आ रहे हैं क्योंकि 2019 के वोट परसेंटेज से असी नज़र पाई थी हूँ असी नज़र पावे 2014 के वोट परसेंटेज साढ़े को आए हैं देखो इतने भी BJP मजबूत है 2014 के 46.25% और कांग्रेस थोड़ी जी ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर भी बहुत मायने रखता है कांग्रेस 37.20% है और 16 दी आम आदमी पार्टी दी जो है वोट फीसद वधी है 16.63 बिल्कुल हालांकि उस वेले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली इलेक्शन लड़ी लोकसभा दी अते उस वेले भी 16.63 वोटा हासिल करना यानी 16% के करीब वोटा हासिल करना अपने आप च कम मायने रखता है पर जेकर BJP का जिक्र करिए 40% इतने वोटर रहा अते उस तो बाद 2019 की इलेक्शन तक यह 50% आंकड़ा पहुंचा यानी कि वोटर वध्या BJP का इतने आधार होर मजबूत होया पर कांग्रेस की जिक्र मैं जिक्र करा 33% वोटर अते उस तो बाद होर घटिया पर 2017 की इलेक्शन जो कि बाई इलेक्शन सी उदो कांग्रेस इतने जेतू रही कांग्रेस का वोटर उतो बहुत ज्यादा रहा एक मैं हमेशा तो जिक्र करता है सरकार होने का लहा यानी कि कांग्रेस की उस वेले सरकार बनी सीगी ताज़ा ताज़ा सरकार सी उसका शायद लाभ मिले होवे सुनील जाखड़ होरां नूं
पर जेकर हुन जिक्र करिए मौजूदा समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि दलजीत सिंह चीमा का यह जो घरेलू है घरेलू हलका कह सकते हैं आप। और बिल्कुल सीपीआई भी मैदान दे विच से, लेकिन इन्हें कोई दमखम जो है वोट परसेंट दे, दे, दे विच नहीं दिखा नहीं पाई है। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स साढ़े को आएंगे, कुछ और ग्राफिक्स साढ़े को आने इस टोटल वोटर से इसे नजर पावे कि गुरदासपुर के कुल वोटर की ने 15 लाख के करीब कुल वोटर जो इन्होंने जो नुमाइंदे मैदान के उतारे गए हैं उन्होंने भविख का फैसला करेंगे। 15,95,300 वोटर आशीष और पुरुष और महिला वोटर की कहते हैं। बिल्कुल, हालांकि गगन गुरदासपुर च 15,95,000 वोटर डिसाइड करेंगे कि इस सीट तो एमपी कौन होगा। जेकर मेल वोटर का जिक्र किया जाए तो 8,44,000 ने, फीमेल वोटर 7.5 लाख के करीब है, ट्रांसजेंडर वोटर 36 है। पर लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हर गुरदासपुर वासी है, हर पंजाब वासी को अपील कर रहा है, एक तरीक भुलना नहीं, पहला काम है वोट करना, उस तो बाद बाकी रुझेवें काम, क्योंकि वोट करना तो हक है, तो हक की डिसाइड करेगा कि पंजाब की 13 दिया 13 सीटा ते कौन एमपी काबिज होगा। बिल्कुल, बाकी दे कम बाद पहला वोट जरूरी है क्योंकि वोट थोड़ी ताकत है। और इस नाले एक चीज जो इस चीज देखो महिला वोटर्स जी अपनी गल कर रहे हैं तो महिला कैंडिडेट्स जी अगर गल की जाए तो पिछले 20 साल तो गुरदासपुर सीट तो कदे कोई महिला कैंडिडेट किसी भी पार्टी के वालों नहीं उतारी गई। हालांकि कांग्रेस के वालों 1980 उतारी गई थी सुखबंस कौर भंडारी जो कि बहुत अच्छा खासे वोट फीसद जीती सी, अपना दमखम उन्होंने बरकरार भी रहा, वो सांसद रहे और लेकिन उस बाद मतलब एक महिला नू उतारिया गया मैदान च पहली बार और पूरा दमखम भी दिखाया, सांसद भी बनी, लेकिन बावजूद इसे 20 साल तो किसी फीमेल कैंडीडेट पर दा नहीं खेडिया गया, खास तौर पर कांग्रेस के वालों ही। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स साढ़े को कहते हैं, कुछ और ग्राफिक्स साढ़े को आ रहे हैं, वोटर टर्न आउट के किस कदर हर चोना दर चोना जो है वोट फीसद टर्न आउट से जो है अंतर जा फर्क जो है असर पैदा हुआ नजर आया। 2004, 2009, 2014, 2019 अगर गल की जाए तो बहुत ज्यादा सी 4 के घटता घटता 69 तक पहुंच गया, यानी कि पहुंचे 2009 19 दे जो है सिमिलर जे थोड़े लग रहे ने वोट फीसद। हालांकि जेकर गगन जिक्र किया जाए 2004 च 70% करीब पोलिंग हुई पर 2009 च 1% पोलिंग घटी है, पर 2014 च जेहा की होया कि पोलिंग 56% ते आके टिक गई, पर उस तो बाद हालांकि वोटर जागरूक होया है अते पोलिंग वधी भी है, 2019 च करीब 70% ही पोलिंग हुई है। बिल्कुल, कुछ और ग्राफिक्स साढ़े को की कहते हैं क्योंकि ये वोट फीसद जो घटते हैं टर्नआउट जो देखने को मिल रहे हैं कितने कितने जागरूकता भी इसकी कमी होती है, कितने कितने मुद्दों को लेकर या कुछ इस तरह के समीकरण बनते हैं जिसके करके वोटर्स का रुझान जो है वोट हक का इस्तेमाल करने के प्रति जो है घट जाता, लेकिन तुम्हें वोट जरूर पानी है। फिलहाल फैक्टर की कहते हैं वोट फैक्टर ने तो करतारपुर कोरीडोर एक बड़ा वोट फैक्टर है, इसको भी समझांगे, हिंदू वोटर का भी खासा प्रभाव है। बिल्कुल, हालांकि जो गुरदासपुर सीट है तुम्हें याद होना है कि दर्शन है दीदार, ये इसलिए मैं जिक्र करा डेरा बाबा नानक तो दूरबीन राही करतारपुर साहिब के दर्शन किए जाते हैं, अते करतारपुर कोरीडोर सिख संगतां दी लंबे समय तो मंग सी, हालांकि 2019 च मंग जरूर पूरी हुई पर कोविड के दौरान गेट बंद होए, करतारपुर लांघा बंद होया अते मुड़ तो खोलन की लगातार अपील की जा रही है। पर जेकर जिक्र किया जाए करतारपुर कोरीडोर वाकई वड्डा फैक्टर है, ये जो डेरा बाबा नानक है अते उसके आले दुआले जो लोग सभा के अधीन आते विधानसभा हलके है उन्हें सारे हलकों च इसका खासा आधार है। बिल्कुल, आधार भी और इस लेके सियासत भी होंगी रही है क्योंकि बीजेपी के वालों अपनी जो है इस पिछे प्राप्ति इस गिनवाया गया कि केंद्र के बीजेपी की सरकार इसलिए करतारपुर कोरीडोर का रस्ता खुल पाया, नवजोत सिंह सिद्धू ने सब तो पहला जो आवाज चुकी थी, लेकिन पंजाब के जो सियासतदान ने वो आपो अपने पद्धत के दावे ठोक रहे हैं। 2019 तुम्हें याद होना है जो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब से दर्शन दीदार दहाकों की अरदास जो बूर पिया, ठीक है जेकर जिक्र करिए लंबे समय तो सिख संगत की मंग सी कि करतारपुर साहब के दर्शन लिए खुले दीदार हो, यानी कि जो भारत तो जो सिख संगत है
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਗਾ ਬੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਗਾ ਖੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਗਨ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੱਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਹਲਕੇ ਪੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ बिल्कुल और इस तरफ कुछ अगले ग्राफिक्स से नजर पावांगे कि अगले ग्राफिक्स की कहते हैं प्रोफाइल से नजर पावांगे देखो सुखजिंदर सिंह नवा मैदान के उतारिया गया कांग्रेस के वालों कांग्रेस के दिग्गज लीडर के बच्चों एक ने पंजाब के सबका डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं रंधावा आशीष और सबका डिप्टी सीएम ते दाखे डे गया डेरा बाबा नानक तो विधायक नहीं है बिल्कुल हालांकि जिक्र किया जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा नामचीन चैनल लगातार तीन बार डेरा बाबा नानक तो विधायक चुने गए और हैट्रिक मारी है इन्होंने भावे 2022 का जिक्र करा आम आदमी पार्टी की जो हनेरी चली 92 सीटों का मैंडेट हासिल होया पर डेरा बाबा नानक ते एक ना चली आम आदमी पार्टी दी अरे सुखजिंदर सिंह रंधावा जेतू होए अते अपना रिकॉर्ड कायम रखे और राजस्थान दे विच भी कांग्रेस दी नुमाइंदगी करदे रहे ने इंचार्ज बनाया गया इंचार्ज बनाया गया राजस्थान कांग्रेस बिल्कुल हालांकि 2022 तो बाद जदों राजस्थान दी विधानसभा चोणां सी इन्हां नूं इंचार्ज लाया गया तुहानूं याद होणा है जदों पंजाब दे विधानसभा चोणां सी हरीश चौधरी नूं इंचार्ज लाया गया राजस्थान दे हरीश चौधरी सन बाड़मेर तों इलैक्शन लड़दे रहे ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਜੇਕਰ ਇਧਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2002 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਰਹੇ बिल्कुल नेक्स्ट प्रोफाइल साड़ी कल किसी आ रही है नेक्स्ट प्रोफाइल ते गल करांगे डॉक्टर तलजीत सिंह चिमाम श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों मैदान दे विच उतारे गए ने 2007 ते 2012 दे विच डॉक्टर दलजीत सिंह चिमा 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 2007 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਤੋਂ 17 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਾਲਾ ਟੈਨਿਓਰ ਚ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ जो मैनीफेस्टो कमेटी बनी सी उसका भी यह हिस्सा ने जेकर मैं जिक्र करा तुहानू याद होना कि जो श्रोमणी अकाली दल ने कैंडीडेट अनाउंस किए हैं हरेक कैंडीडेट दी अनाउंसमेंट इन्ना ने ही की अपने ट्विटर हैंडल जरिए क्योंकि ये प्रमुख बुलारा ने इस तो इलावा जेकर मैं जिक्र करा इन्हों का अपना ही आधार है पर इस सीट इन्होंने लड़ रहे इलेक्शन गुरदासपुर तो हर शख्स यह समझ रहा है कि यह पैराशूट कैंडीडेट है पर यह पैराशूट कैंडीडेट नहीं है क्योंकि जो दलजीत सिंह चीमा है गगन ये बहुत जिक्र करना बेहद जरूरी है दलजीत सिंह चीमा का जद्दी हलका गुरदासपुर है बिल्कुल भावे ही इन्हों का जो विधानसभा हलका है रूपनगर तो इलेक्शन लड़ते हैं पर जद्दी हलका इन्हों का गुरदासपुर बिल्कुल और गुरदासपुर के मुद्दों बाखूबी समझते हैं हालांकि हर एक मुद्दे पंजाब का कोई भी मुद्दा हो श्रोमणी अकाली दल के वालों पार्टी लैवल से कोई भी इन्होंने मुद्दे पर अपनी गल रखनी है मुखर आवाज के नाल मुद्दों चुकते रहे हैं मौजूदा सकत्र बुलारा ने फिलहाल नैक्सट प्रोफाइल साढ़े को आ रही है नैक्सट प्रोफाइल साढ़े को आ रही है
दिनेश बाबू दी। दिनेश बाबू बीजेपी के वालों मैदान उतारे गए हैं, दिग्गज लीडर ने, दिग्गज लीडर एक ने, सुजानपुर तो सबका MLA ने दिनेश बाबू और बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि जो दिनेश बाबू ने इन्हें इस ते दा खेडना, यानी कि बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है लोकल लीडर ते दा खेडना इस बार, क्योंकि अक्सर बीजेपी जो इस सीट पर इलेक्शन लड़ रही है जिम्मे मैं पहला भी जिक्र किया सैलीब्रिटी से दा खेड़ी है, पर जेकर हूँ जिक्र किया हूँ समीकरण बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि गगन तुम्हें याद होना है पहला इलेक्शन से श्रोमणी अकाली दल तो बीजेपी गठजोड़ हेठ इलेक्शन लड़ती, पर इस बार श्रोमणी अकाली दल वक्रे तौर पर इलेक्शन लड़ रहा है, बीजेपी वक्रे तौर पर, बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए लोकल लीडर टिकट दी गई, लोकल लीडर से दा खेडा गया। पर इस तो भी नाराजगी जाहिर जरूर हुई है, मैं जिक्र करना चाहूंगा सुवर्ण सलारिया का नाम। सुवर्ण सलारिया ने अपने थोड़े दिन पहला इतने नाराजगी जाहिर की थी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़न नू लेके भी वो काफी जे जिक्र करा मैं सरगर्म नजर आ रहे। बिल्कुल, हालांकि देखो एक एक सीट तो कई कई दावेदार होंगे ने, एक अनार सौ बीमार वाली गल हो जाती है, लेकिन पार्टी लैवल से हाईकमान लैवल से जो तय किया जाना चाहिए कि किससे दा खेडिया जाए जो दमखम अगे दिखा सकता है। बिल्कुल, फिलहाल दिनेश बाबू कितना दमखम दिखा पाओगे वक्त दसेगा और थोड़े वोट हक दे इस्तेमाल से निर्भर करता। फिलहाल नेक्स्ट प्रोफाइल किस दी आ रही है, आम आदमी पार्टी तो मैदान दे विच उतारिया गया श्री कल सिंह। बिल्कुल, है नामचीन चेहरा ने बटाला, तो नहीं याद होना 2022 दी इलेक्शन हाई प्रोफाइल सीट थी बटाला सीट तो है मौजूदा MLA ने 2022 च बटाला सीट तो इन्होंने इलेक्शन लड़ी और लखबीर सिंह लोधी नंगल नूं हराया जो कि श्रोमणी अकाली दल दे दिग्गज चेहरा सी, हुण ए खुद दिग्गज चेहरा बन चुके ने, आम आदमी पार्टी ने गुरदासपुर सीट तो शहरी कलसी अमन शेर सिंह शहरी कलसी ते दा खेडे। बिल्कुल, और 2022 दे विच भी अपना दमखम जो है दिखा चुके ने। फिलहाल आम आदमी पार्टी दे वल्लों इन्हां ते इस बार सांसद उम्मीदवार वजो मैदान दे विच उतारिया गया, इन्हां दे उत्ते दा खेडिया गया 2022 दे विच आम आदमी पार्टी ते ही टिकट ते ही चोण जित चुके ने, ता संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये तो वोटरों ने तय करना है कि वोटर तय करेंगे कि किस पार्टी का केड़ा कैंडिडेट जो है उन्होंने मुद्दों को संसद तक जाके आवाज चुक पाएगा। फिलहाल ये प्रोफाइल वक् वक् जो नुमाइंदे मैदान के उतारे गए हैं वक् वक् पार्टियों के वालों अज की इस खास पेशकश के फिलहाल इतने विराम लगावे, नैक्सट पेशकश के नैक्सट एपीसोड एक नवी सीट का जिक्र करेंगे, लेकिन इस एक बार फिर तो वोटरों को अपील करनी है। बिल्कुल, हालांकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार सिर्फ गुरदासपुर वासी नहीं पंजाब वासियों भी अपील कर रहे हैं, एक तरीक भुलना नहीं, सवेरे सब तो पहला काम है वोट करना, बाद च बाकी रुझेवे काम, क्योंकि वोट करना तो हक है, तो हक ही डिसाइड करेगा कि गुरदासपुर सीट होवे भावें पंजाब की 13 दी 13 सीटा ते कौन MP काबिज होवेगा अते मुल्क च किस दी सरकार बनेगी, क्योंकि वोट करना तो हक है, तो वध वोटां दी असी लगातार अपील कर रहे हैं, पर अज असी तुहानू दिखाया कि किसदा होवेगा गुरदासपुर अते कौन MP सीट तो रह सकदा दूर, पर लगातार मेगा कवरेज जारी है, एक एक सीट का लगातार गगन समीकरण दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते साड़ी ये जिम्मेदारी बन जाती है आशीष के बार बार अपील जो है वोटरों को की जाए कि अपने वोट हक का तुसे इस्तेमाल करना है, फर्स्ट टाइम वोटर अपने वोट हक का इस्तेमाल जरूर करो, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, क्योंकि हर तरह की सुविधा पोलिंग बूथ भी की गई है, अगर किसी को फर्स्ट टाइम कोई अगर वोट पाउन जा रहा उस तरीक जांच नहीं है कि किस तरीके दे नाल वोट अपना हक का इस्तेमाल करना, लेकिन सब कुछ उत्थे व्यवस्था की गई है, अगर कोई भी वोटर किसी भी पार्टी के नुमाइंदे नु वोट नहीं भी पाना चाहता, कोई चॉइस नहीं है, तो नोटा का बटन भी है, नोटा का बटन जरूर दबाउन जाओ जाओ, लेकिन जरूर पोलिंग बूथ है अपने नेड़े पोलिंग बूथों से जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल करना जरूर है। फिलहाल आज इस खास पेशकश के इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेके जल्द हाजिर होवांगे। आशीष बिल्कुल, हालांकि सानू दियो इजाजत, धन्यवाद।